हेलो एवरीबॉडी, मैं अभिमन्यु चक्रव्यूह ब्रेकर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बिहार एसटीईटी का एग्ज़ाम 28 जनवरी 2020 को समाप्त हो चुका है और उसके फर्स्ट शिफ्ट में ही इंग्लिश पेपर वन का भी एग्ज़ाम हो गया। इस वीडियो में मैं पेपर वन इंग्लिश के टोटल 100 क्वेश्चन की चर्चा करूँगा और 100 क्वेश्चन का आंसर की बताऊँगा जो कि बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग एक बार मिला के चेक कर लीजिए कि आपको कितने मार्क्स आने जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं 51 नंबर क्वेश्चन पे आऊँ, चैनल पे अगर आप पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे की सारी इन्फॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन इज व्हेन ही एंड फोर ऑप्शंस आर गिवेन अलोंग विथ फोर फ्रेजेज एंड द मेन क्वेश्चन इज द प्रॉपर सिक्वेंस शुड बी। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 3, 2, 1 and 4। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 52 नंबर। डिसिप्लिन इज ऑन द वेन इन स्कूल्स एंड कॉलेजेज दीज डेज। द सब्स्टिट्यूट ऑफ ऑन द वेन इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ ऑन द वेन इज ऑप्शन ए डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग मीन्स डिक्रीजिंग। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 इज वन हु हेट्स नॉलेज एंड लर्निंग इज कॉल्ड अ। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए मिसोलॉजिस्ट। क्वेश्चन नंबर 54। द मर्चेंट ऑफ वेनिस रिटन बाय शेक्सपियर इज अ ड्रामा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 55। इज अ सैड सॉन्ग इज एंड फोर ऑप्शंस आर गिवेन। डिरगे डिटी हिम एंड देम। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 56 है वन हु बिलीव्स इन द पावर ऑफ फेट इज। ऑप्शन ए फेटलिस्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 57। इफ अ स्टूडेंट इज अनेबल टू लर्न अ टास्क बाय अ स्पेसिफिक मेथड देन एज अ टीचर यू शुड। फोर ऑप्शंस आर हियर एंड द ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। गिव सम एक्स्ट्रा टाइम टू हेल्प हिम लर्न द टास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 58 है द कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स इज। बहुत सारे वाइफ रहने का जो कस्टम है, रिवाज है, उसे क्या कहा जाता है। 58 नंबर का हो जाएगा डी पॉलीगैमी। नेक्स्ट क्वेश्चन 59। हु रोट द बुक विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर बुक इज रिटन बाय APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60। इफ आई एम श्योर दे विल फाइट टूथ एंड नेल फॉर देयर राइट्स। द एक्सेप्टेबल मीनिंग ऑफ टूथ एंड नेल इज टूथ एंड नेल इज। इसका आंसर हो जाएगा 60 का ए विथ ऑल देयर माइट। 61 पे आते हैं चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। और चार ऑप्शंस ABCD दिया हुआ है और इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 61 का सी हो जाएगा। आई हैड अ स्ट्रेंज ड्रीम लास्ट नाइट। क्यों? देखिए आई सॉ, ये अगर आप करते हैं तो ये गलत हो जाएगा। बी नंबर और डी नंबर तो बिल्कुल नहीं होगा। ए और सी में किन्हीं को कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर सी ही होगा, क्योंकि जब पार्टिकुलर ड्रीम की बात करते हैं तो उससे पहले हैड का यूज ही होता है। यहाँ पे पार्टिकुलर ड्रीम कौन सा है? स्ट्रेंज, किसी स्ट्रेंज ड्रीम के बारे में चर्चा की गई है, दैट्स व्हाई हैड इज यूज्ड। अब आते हैं 62 नंबर पे। व्हिच वन इज रॉन्गली स्पेल्ड
वर्ड 62 बहुत ही आसान है, बी इसका आंसर हो जाएगा। आते हैं 63 नंबर पे, माय फ्रेंड स्पीक्स डैश फ्रेंच सो वी आर एबल टू फाइंड ए नाइस रूम इन पेरिस, इसका आंसर हो जाएगा 63 का सी नंबर, अ लिटिल। देखिए इसमें तीन चीज़ होता है, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, ये होता है। तो लिटिल, सिर्फ लिटिल का मतलब होता है नेग्लिजिबल, यानी कि न के बराबर, और अ लिटिल का मतलब कि थोड़ा सा, और द लिटिल का मतलब होता है कि थोड़ा सा में ही कंप्लीट, मतलब जितना है वो कंप्लीट। तो यहाँ पे अ लिटिल का यूज होगा। 64 नंबर पे आते हैं, पेडागोजी इज द स्टडी ऑफ, इसका आंसर होगा ए एजुकेशन, टीचिंग मेथड्स नहीं होगा क्योंकि एजुकेशन के अंदर ही टीचिंग मेथड्स आ जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा एजुकेशन। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 65, रीडिंग बुक्स, यहाँ पे चार ऑप्शंस हैं और चार फ्रेजेस दिए हुए हैं, इसको अरेंज करना है 65 नंबर में, और इसका आंसर जो होगा बी नंबर, इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, हुइच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज एन एरर एंड द सेंटेंस इज द कस्टमर हैंडेड ओवर 100 रुपीज नोट टू द शॉप के शॉपकीपर, इसमें ढूंढना है कि किस पार्ट में, तीन पार्ट दिया हुआ है, तीनों पार्ट में से किस पार्ट में एरर है। अगर नो एरर है तो ऑप्शन डी भी हम लगा सकते हैं, इसमें 66 नंबर में ऑप्शन करेक्ट होगा बी, 100 रुपीज नोट, इसमें एरर है। और एरर क्यों है, क्योंकि देख लीजिए, 100 रुपीज नोट नहीं होगा, 100 रुपी नोट होगा। क्यों, क्योंकि हाइफनेटेड नाउंस, यहाँ पे देखिए हाइफन दिया हुआ है, 100 और रुपीज़ के बीच में ऑप्शन में भी देखिए हाइफन दिया हुआ है, और यहाँ भी आप देख लीजिए हाइफन दिया हुआ है। एंड वी नो दैट हाइफनेटेड नाउन डज नॉट टेक प्लुरल फॉर, दैट्स व्हाई 100 रुपी इज यूज्ड, एंड ऑप्शन बी इज करेक्ट। 67, आई वॉज सरप्राइज डैश हिज स्ट्रेंज बिहेवियर, इसका आंसर हो जाएगा 67 का डी एट। 68 नंबर, यू कैन नॉट डिवाइस अ मेथड हुइच डैश ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर, इसका आंसर होगा 68 का बी अवॉइड्स। 69, द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ ए स्टॉर्म इन अ टी कप इज, 69 का द स्टॉर्म इन ए टी कप, इसका मतलब होता है कि मतलब बात को बढ़ा देना, बात का बतंगड़ बना देना, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। अब आते हैं नेक्स्ट 70 नंबर पे। 70 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, द स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स इज, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, सिमेंटिक्स। 71 नंबर, 71 नंबर पे आते हैं, 71 नंबर का क्वेश्चन है, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसका डी बिल्कुल करेक्ट है, एडवर्सिटी मीन्स कठिनाई होता है, विपत्ति यहाँ पे लिखा हुआ है। 72, 72, हुइच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द शेक्सपियर्स प्ले, करा कि चारों ऑप्शन में से कौन शेक्सपियर का प्ले नहीं है। देखिए ये तीनों शेक्सपियर का प्ले है ही, लेकिन पिगमेलियन जो है ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा, जीबी शॉ के द्वारा लिखा गया है नॉव पिगमेलियन, इसलिए ये शेक्सपियर के रिटर्न बुक्स में नहीं आता, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट है। द कंपेरिजन ऑफ अनलाइक थिंग्स यूजिंग द वर्ड लाइक और एज इज, इसका आंसर होगा सिमली डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। 74 नंबर क्वेश्चन है, हु इज ऑफन कॉल्ड अ रोमांटिक पोएट एज मोस्ट ऑफ हिज पोएम्स रिवॉल्व अराउंड नेचर, रोमांटिक पोएट किन्हें जाना जाता है क्योंकि उनका जो सारा पोएम्स भी है वो नेचर के आसपास ही घूमता है, इनका आंसर हो जाएगा विलियम वर्ड्सवर्थ। बहुत सारा पोएम है इनका, जैसे एक डेफोडिल्स भी है नेचर के बारे में। अब आते हैं 75, चूज द
करेक्ट सेंटेंस इसका बहुत ही आसान है, 75 का, 75 का हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, लेट मी सिंग अ सॉन्ग। 76, व्हिच फिगर ऑफ स्पीच इज इट व्हेन अ स्टेटमेंट इज एग्जैगरेटेड इन अ पोएम। एग्जैगरेटेड का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर बताना, लिखना, है ना। इसका 76 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हाइपरबोले। 77 नंबर, 77 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। 77 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, और ऑप्शन चार दिया हुआ है, लेकिन 77 नंबर में जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। वुड यू माइंड वर्किंग विथ मी, वुड यू माइंड वर्किंग विथ मी, अब ये करेक्ट क्यों होगा, क्योंकि जब क्या कहते हैं वुड यू माइंड का इस्तेमाल करते हैं, वुड यू माइंड, वुड यू माइंड का मतलब कि किसी को पोलाइट वे में कुछ मांगना, कुछ रिक्वेस्ट करना, मीन्स बहुत ही पोलाइट वे में। वुड यू माइंड के साथ भी प्लस आई एन जी का ही यूज होता है, इस चारों ऑप्शन में से यही सही है, ऑप्शन सी। 78 नंबर, 78 नंबर क्वेश्चन है, नो सूनर हैड ही रीच्ड द स्टेशन डैश द ट्रेन अराइव्ड। 78 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा देन, THAN, ये करेक्ट ऑप्शन है। अब आते हैं 79 नंबर पे, 79 नंबर है, द जनरल एम ऑफ टीचिंग प्रोज इज आर। 79 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दी, जितने भी ऑप्शन हैं सारे करेक्ट हैं, इसलिए ऑल ऑफ दी जिसका करेक्ट आंसर होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80, द स्टोरी इज टू फैंटास्टिक टू बी क्रेडिबल, द वर्ड व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ क्रेडिबल इज, क्रेडिबल का मतलब ही होता है विश्वसनीय, बिलीवेबल, ये होगा करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 81, वन हु इज इम्पेटुअस इज, हु इज इम्पेटुअस इज, इसका मीन सिनोनिम्स एक तरह से पूछ रहा है, तो 81 का जो आंसर हो जाएगा सी नंबर, इम्पल्सिव। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया स्क्रीन पे 82 नंबर, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। द मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्पस ऑफ लर्निंग इज, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। इसमें सी नंबर गलत है, डी नंबर भी गलत है, और ए नंबर भी गलत है, क्योंकि ये एक बार यूजीसी नेट में पूछा जा चुका सवाल है, और उसका जो आंसर की में आंसर दिया हुआ था मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, ये पूछा हुआ है नेट में। 83, द टर्म इन्वेक्टिव इन लैंग्वेज रिफर्स टू, 83 का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, इंसल्टिंग, एब्यूजिंग और हाईली क्रिटिकल लैंग्वेज। इन्वेक्टिव का मतलब वही होता है अपशब्द, गाली गलौज करना, तो इसका आंसर। अब 84 नंबर, व्हेन डॉक्टर मारिया सेज योर फादर इज नो मोर इंस्टीड ऑफ योर फादर डाइड सी इज यूजिंग, सी इज यूजिंग, इसका आंसर होगा सी, यूफेमिज्म। यूफेमिज जब किसी अनप्लीजेंट इवेंट को या अनप्लीजेंट इवेंट घटना को इनडायरेक्ट में बोला जाता है, इनडायरेक्ट में बोला जाता है, तो उसे यूफेमिज्म कहा जाता है। इस तरह से नो मोर को यहाँ पे डाइड, यहाँ ये डायरेक्ट है और यहाँ नो मोर दिया गया, इनडायरेक्ट वे में बोला गया है, इसे यूफेमिज्म कहेंगे। अब आते हैं 85 नंबर पे, 85 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग assumptions इज इनकरेक्ट इन लैंग्वेज टीचिंग। 85 का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, राइटिंग रेदर देन स्पीच शुड बी गिवेन इम्पोर्टेंस इन लैंग्वेज टीचिंग। अब 86 नंबर पे आते हैं, 86 नंबर द टर्म लैक्सिस रिफर टू, 86 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 87, व्हेन अ राइटर अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब समथिंग सो दैट इट अपील्स टू आवर सेंस ऑफ स्मेल साइट टेस्ट टच और हियरिंग ही और सी यूजेज, यहाँ भी फिगर ऑफ स्पीच की ही चर्चा की गई है, 87 का ए नंबर इमेजरी करेक्ट आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन
88 नंबर क्वेश्चन, ही लुक्ड वेरी हैप्पी एंड डैश व्हेन ही हर्ड दैट हीज प्रपोज्ड स्कीम वाज डैश बाय द कमिटी। अब इसका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, इलेटेड एंड एक्सेप्टेड। इलेटेड मीन्स खुश होना, जॉय, एंड एक्सेप्टेड ये करेक्ट ऑप्शन है। 89 नंबर है, द प्रॉपर सिक्वेंस ऑफ दिस सेंटेंसेस इन पैराग्राफ शुड बी। इसका जो प्रॉपर सिक्वेंस होगा 89 का ऑप्शन डी, 5 1 2 4 3 ये करेक्ट ऑप्शन है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 90 पे। 90 नंबर क्वेश्चन, एन इंटरटेनर हु परफॉर्म्स डिफिकल्ट फिजिकल एक्शन इज एक्रोबैट। आई डू माई वर्क डैश केयरफुल्ली टू मेक मिस्टेक्स। 91 का जो ऑप्शन है वो 2 बिल्कुल करेक्ट है। ग्रामर शुड बी टॉट बाय 92 नंबर जो ग्रामर शुड बी टॉट बाय, और ऑप्शन है गिविंग क्लियर एक्सप्लेनेशंस, एंड सेकेंड है इनेबलिंग प्रैक्टिस इन कंटेक्स्ट। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में ही कोई करेक्ट होगा, ये मैं कंफर्म नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में से ही कोई एक आंसर इसका होगा। अब 93 नंबर पे आते हैं। 93 नंबर में है, अ गुड पैराग्राफ राइटिंग इन्वॉल्व्स, इसका ऑप्शन सी होगा, आइडियाज प्रेजेंटेशन एंड कोहेरेंस। अब आते हैं 94 नंबर, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इसमें जो एक्सेलरेशन लिखा हुआ है, और एक्सेलरेशन फिजिक्स में ज़्यादातर यूज किया जाता है, इसका ऑप्शन डी सही है, ACELERATION ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए। 95 अ वर्ड गेट्स इट्स मीनिंग, और चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। 95 का जो करेक्ट ऑप्शन है, इन रिलेशन टू इट्स कॉन्टेक्स्ट, यानी कि वर्ड का जो मीनिंग होता है वो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। कभी कभी किसी वर्ड का मीनिंग डिक्शनरी में अगर हम देखते हैं तो कुछ रहता है, लेकिन पैराग्राफ में या पैसेज में या स्टोरी में, नॉवेल में, कहीं पर भी देखेंगे या पोएम में, उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा, इन रिलेशन टू इट्स कॉन्टेक्स्ट, ये ऑप्शन करेक्ट है। 96 नंबर, द नंबर ऑफ साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज इज, 96 का करेक्ट है, 44 होगा इसका आंसर। हिज एल्डर ब्रदर गॉट डैश एज एन ऑफिसर इन अ रिपोर्टेड बैंक अपॉइंटेड, इसका करेक्ट है। अब आते हैं नेक्स्ट 98 नंबर पे। क्वेश्चन इज, अ ह्यूमरस एंड फनी पोएम ऑफ 5 लाइन्स इज, इसका करेक्ट ऑप्शन है लिमरिक बी। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, हु रोट गुलिवर्स ट्रेवल्स, इसका जोनाथन स्विफ्ट करेक्ट आंसर है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर पे। 100 नंबर है, द कार इन विच हिज फ्रेंड वाज ट्रेवलिंग डैश विथ एन एक्सीडेंट, इस तरह के जब इस तरह का जब सेंटेंस होता है, मेट विथ एन एक्सीडेंट होता है, तो मेट इसका करेक्ट आंसर है सी। अब 101 पे आते हैं। अ ग्रुप ऑफ 3 नॉवेल्स और प्लेज ईच कंप्लीट इन इटसेल्फ इज ट्रियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी मस्ट प्रिवेंट इंडेंजर्ड वाइल्ड एनिमल्स स्पीसीज फ्रॉम बिकमिंग डैश इन ऑर्डर, और इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका जो 102 का करेक्ट ऑप्शन होगा डी, एक्सटिंक्ट, एंड सेकेंड में यहाँ पे इंजॉय। 103, डैश इज स्टॉप्ड रेनिंग व्हेन वी स्टार्टेड आवर जर्नी, इस तरह का सेंटेंस जो होता है, एक जगह लिखा हुआ रहता है V2 और दूसरी जगह जब दो सेंटेंस को रिलेट किया जाता है कि एक काम पहले हुआ है और जस्ट बाद दूसरा काम हुआ है, तो इस तरह के सेंटेंस में एक जगह V1 का यूज होता है, दूसरी जगह हैड का यूज होता है। इससे पहले भी एक क्वेश्चन में मैंने बताया है हैड का यूज, और इसमें भी हैड का जो यूज होगा, जहाँ पे हैड होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। 103 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 104 में, ही इज द ओनली सिविल सर्वेंट आई नो हु हेट्स रेड टेप, द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ रेड टेप इज, 104
रेड टेप का जो मीनिंग होता है ऑफिस फॉर्मेलिटीज होता है, इसलिए यहाँ पे फॉर्मल प्रोसीड्यूर्स, यहाँ पे जो लिखा हुआ है प्रोसीजर, ये सही है। 105, द प्रिंस डिड नॉट नो व्हाट दीज ओमेंस माइट, इस तरह से क्वेश्चन में दो डैश दिया हुआ है। 105 में बी नंबर सही होगा, पोर्टेंट एंड इंटरप्रिट, ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट हुई चीज नॉट ट्रू, ध्यान रखिएगा हुई चीज नॉट ट्रू यहाँ पे लिखा हुआ है, और क्वेश्चन में चार ऑप्शन दिए हुए हैं। 106 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, सी में ऑप्शन लिखा हुआ है इंग्लिश हार्डली फाइंड इट्स प्लेस एट द सेंटर ऑफ ऑल इंटरनेशनल एक्टिविटीज़, करा इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ में इंग्लिश को बहुत परेशानी होती है अपना स्थान बनाने में, ये गलत है क्योंकि हार्डली, हार्डली एक निगेटिव वर्ड है, तो ये गलत है और नॉट ट्रू है, ये सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इसका आंसर हो जाएगा मेटो निमी, 107 का मेटोनिमी हो जाएगा आंसर, एग्जाम्पल मेटोनिमी का है। 108 में द प्रॉपर सिक्वेंस ऑफ दीज फ्रेजेज इज इन अ सेंटेंस शुड बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट है। 3214, व्हाट डज द टर्म एपिस्टेमिक सिग्निफाई, 109 का ऑप्शन हो जाएगा नॉलेज डी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 110, द टू बॉयज आर ऑलवेज टुगेदर, देयर इज ग्रेट एफिनिटी बिटवीन देम, द मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड एफिनिटी, एफिनिटी यहाँ पे दिया हुआ है और इसका अपोजिट एंटो पूछ रहा है, इसका एफिनिटी का जो हो जाएगा एंटो 110 नंबर का हो जाएगा एंटी पैथी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वीडियो को प्लीज़ शेयर करते रहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। 111 व्हिच इज ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, 111 का ए नंबर ग्रामेटिकली करेक्ट है, क्यों मैं ये भी बता रहा हूँ। देखिए ये जो सेंटेंस है वो इनडायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है, हालांकि चारों सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में ही है, और पहला और लेकिन नीचे वाले बी सी और डी ऑप्शन में जो सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है उसका फॉर्मेट गलत है, ग्रामेटिकली गलत है, क्यों, क्योंकि इनडायरेक्ट बनाते समय डब्ल्यू एच वर्ड का ये रूल होता है कि डब्ल्यू एच वर्ड को कनेक्टिंग वर्ड के रूप में लिखा जाता है और जो बचा हुआ सेंटेंस रहता है उसको अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज कर दिया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम चेंज करेंगे उसके बाद ही वाज वर्किंग सो हार्ड होगा, और नीचे वाला इस तरह से सारा नीचे में देख लीजिए तीनों ऑप्शन में वो अफर्मेटिव में चेंज नहीं किया हुआ है, इसलिए तीनों गलत है और ऊपर वाला सही है, वो करेक्ट ऑप्शन है। 112, प्लीज स्टॉप डैश सो मैनी मिस्टेक, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर मेकिंग। 113, ही इज नोन डैश टू मी, ये इज नोन डैश टू मी यहाँ हो जाएगा सी नंबर, बाय नहीं होगा, बाय गलत है क्योंकि पैसिव वॉइस में है लेकिन इस तरह का सेंटेंस जो है उसके पहले टू का यूज होता है। इफ़ डैश आई वुड नॉट लूज टेम्पर, यानी कि इफ़ ये कंडीशनल सेंटेंस है, इफ़ आई वेयर, आई के साथ वेयर का यूज होगा, वॉच का नहीं होगा, ये गलत है, कंडीशनल सेंटेंस में सभी के साथ वेयर का यूज होता है, ठीक है। 115 में, इट वॉज एन आर्डवर्स टास्क फॉर मी, द अपोजिट मीनिंग ऑफ आर्डवर्स इज, आर्डवर्स का मीनिंग होता है डिफिकल्ट और इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा ईजी, ये ऑप्शन सही है बी। 116, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज एन एरर, एंड सेंटेंस इज इट वॉज हिम हु कैम, यही पहले वाला में ही एरर है, हिम नहीं होगा यहाँ पे, इट वॉज ही होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 117, लेकिन इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इफ़ यू डिडंट सब्सक्राइब चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। 117, द फ्रेज लिप्स डांसिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, 117 का करेक्ट ऑप्शन है अ पैथेटिक फॉलेसी। 118, वेनस एंड एडोनिस इज ए लॉन्ग नैरेटिव पोएम बाय विलियम शेक्सपियर, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 119 में है द पोएट हु डिस्क्राइब्ड पोएट्री एज इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स
इज 119 का करेक्ट ऑप्शन है एजरा पाउंड। द ऑथर ऑफ हंग्री टाइड इज अमिताभ घोष। हु बिलीव दैट पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमोशन विलियम वर्ड्सवर्थ। क्योंकि ये विलियम वर्ड्सवर्थ का कोट्स ही है इसलिए विलियम वर्ड्सवर्थ ये इसका करेक्ट आंसर है। 122 में देख लीजिए द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड डिमोलिश इज। वर्ड डिमोलिश इज इसका आंसर हो जाएगा बी बिल्ड। अपोजिट पूछ रहा है। ही टॉक्स एज इफ ही डैस लुनेटिक। लुनेटिक मीन्स मैड होता है। 123 का ऑप्शन हो जाएगा इज इफ ही इज लुनेटिक। 124 लैंग्वेज एक्विजिशन अकर्स ओनली वेन। 124 का ऑप्शन सी करेक्ट है द लर्नर गेट्स एक्सपोजर टू द लैंग्वेज। 125 हु लॉस्ट पैराडाइज इन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट का आंसर मैं इसका नहीं बता सकता हूँ ये सारे कैरेक्टर के नाम लिखे हुए हैं और लास्ट में पैराडाइज लॉस्ट जो लिखा गया है मिल्टन के द्वारा उसमें लास्ट में पैराडाइज लॉस्ट कौन होता है इसके बारे में पूछ रहा है तो इसका आंसर मैं नहीं बता सकता हूँ सॉरी। 125 126 पे आ जाते हैं। चूज द करेक्ट वर्ड ऑर्डर। तो इसका बहुत ही आसान है 126 का बी नंबर करेक्ट वर्ड ऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। इसका होगा जॉफरी चौसर। ये शेक्सपियर से भी पहले के हैं और इसके इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहा जाता है। द टीचर इज पॉपुलर डैस हिज पुपिल्स यहाँ पे अमंग होगा। नेक्स्ट सोनेट इज सोनेट 40 लाइन्स का पोएम होता है डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आते हैं नेक्स्ट 130 पे। 130 अप्लाइंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन थिंग्स इज इसका आंसर हो जाएगा 130 का ए नंबर पर्सोनिफिकेशन। 131 इन अ लैंग्वेज लर्निंग क्लास मीनिंगफुल एनवायरनमेंट कैन बी क्रिएटेड बाय। 131 का ऑप्शन डी होगा क्योंकि जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं वो सारे के सारे करेक्ट हैं। 132 का देख लीजिए माय मोबाइल डैश सेवरल टाइम्स बिफोर आई आंसर्ड इट। यहाँ पे हेड रंग होगा क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए दो वर्क हो रहा है एक मोबाइल का बजना और एक मोबाइल में आंसर देना। एक आंसर यहाँ V2 का यूज है और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे हेड सी। इस तरह का तीन क्वेश्चन आया है। आई सॉ ए डैश ऑफ काउज ग्रेजिंग इन द फील्ड हर्ड होगा इसका आंसर। व्हिच इज नॉट अ पोएट्री फॉर्म इसका आंसर सी होगा क्योंकि एपिक लॉन्ग पोएम होता है बैलेट भी पोएम है और सनेट 49 का पोएम होता है। फिक्शन जो होता है स्टोरी उसमें लिखा जाता है या प्रोज टाइप से कुछ भी लिखा जाता है। आते हैं 135 पे। द सेंटीमेंट्स एक्सप्रेस्ड बाय हिम इन द स्पीच वेयर ऑडियस। द वर्ड व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ ऑडियस इज ऑडियस का बेस्ट एक्सप्रेसेस मीनिंग वाला ऑप्शन है 135 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं लेकिन चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए वीडियो को लाइक करते रहिए। 136 में हिज मदर डैश व्हेन ही वाज जस्ट अ किड ही पास्ड अवे इसका करेक्ट आंसर है। ही वाज द राइटर ऑफ द बुक कुली मुल्क राज आनंद करेक्ट आंसर। अ स्टोरी इन व्हिच आइडियाज आर सिंबलाइज्ड एज पीपल इज एलेग्री ये करेक्ट है 138 का। 139 पे आते हैं। अ पर्सन हु रिगार्ड द होल वर्ल्ड एज ए कंट्री इज कॉस्मोपोलिटन इज द करेक्ट आंसर। इट इज टाइम यू डैश होम वेंट होगा क्योंकि इट इज टाइम इट्स टाइम के बाद पास्ट का यूज जनरली होता है तो यहाँ पे वेंट का होगा वेंट करेक्ट ऑप्शन है। 141 द डॉग हैज बीन डैश बाय ए कार इसका आंसर हो जाएगा रन ओवर ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि रन ओवर का मतलब होता है एक्सीडेंट हो जाना कुचल देना तो ये करेक्ट है। 142 सी वॉज डैश बेटर ऑफ द टू इसका हो जाएगा द करेक्ट ऑप्शन है मोर नहीं होगा मोर बिल्कुल गलत है क्योंकि बेटर पहले से ही
कंपेरेटिव डिग्री में है, गुड का बेटर होता है, तो यहाँ पे द ऑप्शन करेक्ट है। 143, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ अप्लॉड, अप्लॉड मीन्स प्रशंसा करना, तो 143 का आंसर हो जाएगा डी। अब आते हैं 144 पे, द वे ऑफ लिविंग कैन बी रिप्लेस्ड विद द वर्ड लाइफ स्टाइल, आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। अब 6 क्वेश्चन बचे हैं, 6 क्वेश्चन को जल्दी से कर लेते हैं। 145 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, राइटिंग स्किल। 146, इंटरेक्टिव लिसनिंग इज, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग, क्योंकि इंटरेक्टिव लिसनिंग है तो ये आंसर हो जाएगा। 147 में जो आंसर होगा द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ कंसील इज हाइड, उसके बाद नेक्स्ट का आंसर हो जाएगा 148 का, विच इज द रिसेप्टिव स्किल ऑफ लैंग्वेज, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। एंड 149 नंबर क्वेश्चन, स्कीमिंग इज अ सब स्किल ऑफ, 149 का सी नंबर ऑप्शन इसका सही है। 149 स्कीमिंग इज अ सी नंबर, रीडिंग इसका करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन 150 पे आऊँ इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। 150 नंबर क्वेश्चन है, अफेक्टिव लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन द लर्नर्स आर इंटरेक्टिव, इसका ऑप्शन बी सही है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आप लोग चेक कर लीजिए आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगला वीडियो मैं कट ऑफ पे बनाऊँगा, तब तक आप लोग बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।